दोस्तों फिल्मी चाची में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम आपको ले चलेंगे पम्मी मोटन हाउस में। जी हां, एक पंजाबी आर्टिस्ट के घर ले चलेंगे। उन्होंने रखा है गणपति। उस गणपति के दर्शन करने के लिए फिल्मी सितारे उनके घर पर पहुंचे। पम्मी ने क्या कहा, पम्मी को हम बता दें, पम्मी ने मिक्का सिंह के साथ भी काफ़ी काम किया है और पंजाबी फिल्मों में काफ़ी काम किया। बॉलीवुड में भले ही काम किया है लेकिन पंजाबी की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। इसके गणपति दर्शन के लिए आज पहुंचे अखर सिद्दीकी, नासिर खान, मिताली नाग और स्वीटी वालिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो समय पर मिल सके। और देखिए पापा तो जितने पापा के दर्शन करिए जितने पापा से आशीर्वाद ले उतना कम ही है। और वो भी अगर किसी स्पेशल फ्रेंड के हो तो मुझे लगता है वो वाले पापा का थोड़ा स्पेशली आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए आज तो आना जरूरी था। लकीली हम विसर्जन के पहले आ पाए दर्शन लेने। तो इस बार का गणपति आपके लिए कैसा रहा, क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ नया रहा? इस बार के हमारे गणपति तो बहुत ही प्यारे थे। इस बार के गणपति जो है हमारे घर के, उन्होंने अपने आप को खुद ही चूज़ किया था, बिकॉज जो मूर्ति हमने चूज़ की थी वो जब हम लेने गए थे उनको तो लेते वक्त वो हाथ उठ के टूट गए, तो कुछ लोगों ने बोला कि खंडित हो गई। बट हमारा मन था कि चलो अब हमारे पापा हैं तो उनको रिपेयर करके ले आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जिनके यहाँ से हमने लिया था वो आर्टिस्ट के पास रिपेयरिंग का मटेरियल नहीं था और उनके पास एक ही पापा बचे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैम अभी मेरे पास रिपेयरिंग मटेरियल नहीं, और एक ही पापा बचे हैं किसी के बुकिंग वाले हैं पर उनके घर पे किसी रीज़न से वो नहीं बैठा पा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, तो फिर जो भी है पापा। तो हमने देखा था बहुत ही सुंदर पापा थे, पिंक कलर के, जो यूजुअली शायद हम पिंक कलर पापा के लिए शायद सिलेक्ट नहीं करते, बट अब की बार के पापा बहुत ही प्यारे स्पेशल थे। जितने 5 दिन तो वैसे भी रौनक रहती है बट अब की बार बहुत ज़्यादा आई थिंक थोड़ी स्पेशल रौनक थी। एंड और भी वही एज आई सेड फ्रेंड्स और फैमिली हैं जो 5 दिन के बाद ही मैं दर्शन के लिए निकल पाती हूँ। आज शुरुआत पहले पम्मी के यहाँ से हुई है, बाकी के दर्शन अब इसके बाद। मैं बोलना चाहूँगी कि मिताली मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और वो स्वीट नेचर है, मतलब इतने सारे शो लीड करने के बाद भी बंदी के अंदर 1% भी एटीट्यूड नहीं है। इनका शो अगर आप लोगों को याद हो तो जो अफसर बेटिया जो सीरियल था इनका, मतलब एक लड़कियों के लिए एक मिसाल थी वो शो। मतलब मैं खुद वो शो में पहली बार, मतलब हम दोस्त नहीं थे तभी, लेकिन मैं वो शो सिर्फ इनकी वजह से देखती थी। मैंने कहा यार कोई देसी देहात गांव वाली लड़की को अफसर बन जाती है और वो एक लड़कियों के लिए एक आइडेंटिटी बनाती है एक पावरफुल वुमेन की, तो मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन बन गई थी उस टाइम पे। जब मैं खुद इंडस्ट्री में आई थी मेरी दोस्त बन गई, फिर मैं इनसे मिली तो एकदम सिंपल, नो एटीट्यूड, सिंपल, डाउन टू अर्थ। मैंने कहा यार ऐसे भी आर्टिस्ट होते हैं, तो बस वो दिल में इन्होंने जगह बना ली।
और जैसे इन्होंने कहा कि मेरे 5 दिन का गणपति था, पहले सच में 5 दिन का ही रखती थी। लास्ट ईयर से मैंने 7 डेज करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे जो भी फ्रेंड से कोई आ ही नहीं पाता था, तो मैंने कहा गणपति बाबा को मैं 2 दिन और एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। तो दोस्तों की वजह से मैंने 2 डेज एक्स्ट्रा कर दिया, ताकि इसी बहाने सब लोग तो आ पाएँ, मैं सबके यहाँ दर्शन कर पाऊँ, सब मेरे यहाँ आ पाए। और मैडम ने भी, लास्ट शो इनका चल रहा था घूमे किसी के प्यार में, जिसमें इन्होंने पागल वाला रोल किया था, जिस पूरे शो में इन्होंने सबको पागल कर दिया था। टीआरपी क्वीन किसी को बोलते हैं? एक्चुअली यार पागल नहीं बोलते, एसएनपी वाले सुनेंगे तो फिर जो वर्ड्स मुझे आ रहे हैं। टीआरपी क्वीन की देखा जाए तो एक्टर बनने से भी पहले नॉर्मल थी, और एक्टर बनने के बाद भी वैसा ही है। क्या बोलना चाहते हैं, पहले वैसा ही थी। ये हर कैरेक्टर में फिट बैठती, सीरियस रोल में भी, कॉमेडी में भी, मतलब थैंक यू मिताली जी, थैंक यू सो मच। पम्मी जी के घर आप बप्पा के दर्शन के लिए आए हैं? पम्मी जी के घर तो मैं बप्पा के दर्शन के लिए काफ़ी साल से आ रहा हूँ, तो बड़ी श्रद्धा से रखते हैं, और हमारी श्रद्धा भी जाग जाती है इनके 7 दिन, पहले 5 दिन, अभी 7 दिन के देखते हैं। और वैसे भी मैं गणपति बप्पा, क्योंकि मैं शिवजी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ बचपन से, आज से नहीं, तो जब शिवजी का बेटे की बात आती है तो मतलब घर वाली बात है करीब करीब, क्योंकि शिवजी आई बिलीव ही इज लाइक माई फादर फिगर, तो मैं बहुत आस्था मेरी शिव जी में, मैं जब भी किसी मुसीबत में होता हूँ तो हमेशा शिव जी को याद करता हूँ। तो और गणपति जी पर आस्था जब से मैं मुंबई आके रहने लगा हूँ, 20 साल से ऊपर हो गए, तो गणपति जब हमने देखा, मतलब पहले दादर के गणपति देखते थे, अपना लालबाग भी मैं गया हूँ 4-5 बार, सुबह सुबह विजय भी दर्शन किए कई बार, और मुंबई में आने, महाराष्ट्र में आने के बाद इतनी आस्था बढ़ी है, क्योंकि यहाँ रूप ही अलग है गणपति के, जो 10 दिन का रूप है वो आपको कहीं पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा वैसे, तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है यहाँ पे, मतलब वो 10 दिन ऐसे लगता है जैसे हमारे घर में मेहमान है। अभी मैं 10 दिन वेजिटेरियन, मतलब सब बंद है, जिम करके भी वेज ही खा रहा हूँ, तो वो एक आस्था तो कायम है। तो ये साल आपका कैसा रहा गणपति बप्पा का? ये साल गणपति बप्पा ने, शिव जी ने मेरे इतना मदद किया, मतलब इतना ब्लेस किया मेरे को, हर मुसीबत से मेरे को हाथ से उठाया, मतलब आके लिटरली हाथ से उठाया, और कुछ मैं रिचुअल फॉलो भी कर रहा हूँ गणपति बप्पा के, जो मतलब जो अलग से कुछ रिचुअल, उनको घास दुर्वा चढ़ाना वो सब मेरे को किसी ने बोला था, उससे मेरे बहुत हेल्प मिली है। और बुधवार जो गणपति का दिन माना जाता है, एक्चुअली में मंगलवार तो है, बुधवार ज़्यादा माना जाता है, तो मेरे कुछ रिचुअल जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, काफ़ी मुसीबत से निकाला मुझे लिटरली। कुछ शोज मैंने बीच में किए जो कि गणपति ही करवा सकते थे, मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कास्ट ही ऐसे हुआ, अहिल्या एक शो कर रहा था मैं, उसमें डाकू का रोल कर रहा था, कुछ ऐसा था नहीं इम्पोर्टेंट कि मतलब डाकू है ठीक है, लेकिन जब वो शुरू हुआ तो कृष्णा नायक वो बन गया, उसके बाद इम्पोर्टेंस बढ़ गई, उसके बाद चैनल बोल रहे हैं, उसके बाद क्रिएटिव्स बोल रहे हैं कि उसको आगे और बढ़ाओ, तो मतलब ये एक ब्लेसिंग होती है कि आप करने कुछ गए थे और अब इतना कुछ कर गए कि भगवान ने आपसे करवा लिया। वो हम लोग तो सब, बाकी तो मेहनत तो करते ही हैं, बाकी विदाउट ब्लेसिंग्स जो गणपति बप्पा की है और शिव जी की है तो कुछ हो नहीं सकता। पम्मी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखा जा रहा है आप दोनों की केमिस्ट्री, बॉन्डिंग काफी। पम्मी जी हमारा 3 जन का ग्रुप है, मैं, पम्मी जी और निमय, तो 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 3 बर्थडे साथ में आते, जो हम हमेशा कोशिश करते हैं, नहीं तो हम लोग वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। तो एक कॉन्टेक्ट हमारा काफी सालों से बना हुआ है कि घूम फिर के हमने अगस्त में कॉन्टेक्ट में आना ही आना है, चाहे कहीं भी हो दुनिया में। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं प्रतीक जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि प्रतीक जी अपना कीमती टाइम निकाल के आए, और ये मेरे एक्चुअल में गणपति बाबा की वजह से दोस्त बने थे। हम लोग लाल बाग के राजा दर्शन करने गए थे, तो प्रतीक जी मेरे फर्स्ट टाइम लाल बाग के राजा में दोस्त बने थे, तो तब से दोस्ती निभा रहे हैं। दोस्ती को 10 साल हो गए, लेकिन गणपति को 6 साल हुए। एक्चुअली हम इनकी वेट कर रहे थे 1 घंटे तक, पता नहीं कहाँ अटकी हुई थी। वो जो हमारे को दर्शन कराने ले जा रहा था, 5 जन हम थे, तो वो हमारे दर्शन में VIP छूट गए, फिर ये आई, लेकिन उसके बाद जो हमारी जो हेड थी, जो मेन हमारी गुरु है, तो उन्होंने ले जाकर फिर हमारे को खड़ा कर दिया, हम VIP दर्शन में ही पहुंचे बाद में पम्मी जी को लेकर। और हमारी गुरु जी का नाम लेना चाहेंगे, साइला चड्डा, हमारी साइला दीदी, तो वो इनकी भी दीदी है, मेरी भी दीदी है, तो आज अगर हम जुड़े हैं तो साइला दीदी की वजह से जुड़े हैं। और जो बाली साहब की बात की है, तो आप जानते हो साइला दीदी के हस्बैंड हैं निमय बाली जी,
तो हमारा तीनों की ऐसी बाउंडिंग है, हम तीनों बर्थडे साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं। अभी जीजू को ही मैंने वीडियो कॉल किया था, वो कहीं ना कहीं शूट में बिजी है तो वो आना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया वालों से मेरी वीडियो कॉल पर बात करवा देना कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नहीं आ पाया। तो आज अगर हमारी दोस्ती टिकी हुई है तो गणपति बाबा की वजह से ही है। तो गणपति बाबा ने हमें जोड़ा है, पहले हम दूसरों के यहाँ गणपति दर्शन करने जाते थे, हम साथ में ही जाते थे। आज मुझे याद है सारे गणपति दर्शन हमें साहिला दीदी करवाने ले जाती थी, तब मैं नई नई फिल्म लाइन में आई थी, इतनी नॉलेज नहीं थी, फिल्मी लोगों को भी नहीं जानती थी। तो फर्स्ट डे जो मुझे प्यार मिला उन लोगों से, तो वही प्यार मैंने भी बांटना सीखा। मतलब हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं तो उनकी पॉजिटिव थॉट्स को हमें लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव थॉट्स को। तो टच वुड, मतलब पापा की मेहर है कि मुझे बॉलीवुड में अच्छे लोग मिले हैं। मतलब जो विलन है वो भी, जो सीनियर एक्टर है वो भी, लोग बोलते हैं कि विलन का कैरेक्टर खराब होता है, लेकिन अभी तक मेरे जितने भी दोस्त बने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के विलन ही दोस्त बने मेरे, जैसे प्रतीक जी भी ऑलमोस्ट विलन का ही रोल करते हैं। विलन सबसे अच्छे इंसान होते हैं, प्राण जी आज तक उसका एक उदाहरण है कि प्राण जी से अच्छा इंसान कोई नहीं था, और सबसे बुरे इंसान वही माने जाते थे पूरी इंडस्ट्री में। हीरो बनने की उम्मीद थी, बाकी जालिम दुनिया ने विलन बना दिया। नहीं नहीं सर, क्या होता बने घर में, हर माँ बाप स्पेशली माँ सोचती है मेरा बेटा हीरो ही है, पूरी दुनिया की हर माँ, यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन वो डेस्टिनी क्या होती है अलग बात है। अब आप हॉलीवुड मूवीज ले लो तो वर्ल्ड के जो बेस्ट विलन है, जो बेस्ट लुकिंग गाइस है, वो विलन है। बॉन्ड को छोड़ दो, बॉन्ड तो मेन है, लेकिन विलन कोई कम नहीं होता उस बॉन्ड मूवीज में। लेकिन ऐसे कई विलन से जिनका रोल लोगों को काफी पसंद आया। अब अमरीश जी देख लो, आप जितने हमारे इंडस्ट्री में इतने हैंडसम लंबे चौड़े 6-6 फुट के 6.5 फुट के विलन रहे आज तक सब, अभी भी जितने हमारे विलन है सब अच्छे गुड लुकिंग लोग ही है जो विलन है। अमित जी तो मेरा बहुत अच्छे दोस्त है, हम लोग मैं क्या बोलूँ उनके बारे, जितना मतलब जितना ही बोलूँ उतना कम है। रियली हम लोग का मतलब दोस्ती आई थिंक 2009 से है, बट मतलब सच्चे दोस्त जैसे होते हैं ना, कहीं कोई मुसीबत पे मतलब जो मिलते हैं उनको दोस्त करते हैं, संस्कृत बोलते हैं दोस्त उसको बोलते हैं। उस समय वैसे ने मतलब वो बता देता हूँ, जैसे कोई दोस्त ऐसा होता है कि प्रॉपरली दुख के टाइम, सुख खुश के टाइम, मतलब कोई शादी ब्याह हुआ, हर टाइम में जो दोस्त रहते हैं उसको रियल दोस्त बोलते हैं। तो वो एक ऐसे दोस्त है मतलब हर मोमेंट में, अगर कहीं रात को 12 बजे कहीं मुसीबत में भी पड़ जाए तो वो भी जाके पहुंच जाते हैं। तो ऐसे उसको रियल दोस्त बोलते हैं, एंड इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। एंड होते हैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, एंड मैं भी इस लाइन के हूँ, मेरे पति कंपनी FI की एंटरटेनमेंट, तो दोनों मिल के साथ काम करते हैं, जब जब भी मौका मिलता है और काम करते हैं, और इससे खुश करने और क्या। क्या टिप्स देना चाहते हैं आप साथ में खाने को, टिप्स देना चाहो कुछ नया करने के लिए गणपति नया? तो मैं हमेशा चाहता हूँ मेरा कोई भी ऐड आए तो वो एक्ट करें कि मतलब एक दोस्त को और क्या हो सकता है, तो जितने अच्छा डायरेक्टर के वो रिक्वायरमेंट रहो एंड हम लोग दोनों साथ में मिलके काम करें, वो एक अच्छा टिप्स हो सकता है। आप क्या बोलना चाहते हैं पम्मी जी? दोस्तों मैं पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी दिलीप जी, काम आज के दिन दे दिया, उसने ऑफर दिया कि इतने बिजी होने के बाद में वो स्पेशल टाइम निकाल के आए। और गणपति पापा ने हमारी दोस्ती आज 2009 से, हम एक दूसरे को जानते हैं तब से हमारी दोस्ती बनी हुई है, और जो मैं आप सब लोगों के सामने खड़ी हूँ वो दिलीप जी की वजह से ही खड़ी हूँ, क्योंकि खुद की फ्लाइंग किंग एंटरटेनमेंट कंपनी है, इसके पहले रेड आइज प्रोडक्शन में ये एज ए लाइन प्रोड्यूसर काम करते थे, और मैं तभी बैंकिंग में थी, मैं ये आपको 2012 आई थी। तो मैं फिल्म लाइन में सोनाक्षी का एक ऐड था डाबर गुलाबबाड़ी, वो ऐड में मैंने काम किया था, दिलीप जी का प्रोजेक्ट था। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने मुझे ऑफर किया था, तब मैं जॉब कर रही थी, तो मैंने कहा नहीं नहीं दिलीप जी मुझे तो ये सब तुम्हारी फिल्म लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बोले नहीं नहीं आप कमाल करते हो, सोनाक्षी का ऐड है, प्लीज़ आप आइए ना, आपका छोटा सा रोल है लेकिन प्लीज़ कीजिए ना। तो वो मेरा एक स्टार्टिंग था, तो बोलते ना कि आप जस्ट एक एज ए फ्रेंड आप चले गए एक प्रोजेक्ट में, एक लड़की मेरी जैसी चाहिए थी, लेकिन वो एक दो बार आपने काम किया ना तो थोड़ा सा बस मुझे भी लगा कि यार ये तो बड़ी हैपनिंग जगह है, करना चाहिए, तो मैंने बस मूव ऑन कर लिया। तो कोई शौक नहीं था, एक होता ना कि इंटरेस्ट नहीं था मुझे बिल्कुल भी कि मेरे को फिल्म लाइन में जाना है, तो बस आज मैं दिलीप जी की वजह से यहाँ खड़ी हूँ, तो वो कभी नहीं भूल सकती। ओके मैम, तो आप सर क्या बोलना चाहते, पापा भी जाने वाला है, क्या बोलना चाहते, आखिर विशेष क्या देना चाहते हैं? गणपति पापा को यही बोलूँगा कि जो
मतलब जो जिसके लिए इंडस्ट्री में आए उनको वो मिले, चाहे बड़ी हीरोइन उनमें के इच्छा हो, अच्छे एक्ट्रेस की इच्छा हो, जो भी इच्छा हो, तो डेफिनेटली वो एज आर्टिस्ट हैं। तो मतलब हीरोइन बने नहीं बने कोई बात नहीं, एक बड़ी आर्टिस्ट बन जाए। मैं गणपति बाबा को ये दुआ करूँगा, प्रे करूँगा कि अगले साल तक वो मुकाम पर पहुँच जाए। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, मोरिया जी, थैंक यू।